इधर भी कर देता हूँ। अच्छा आएंगे। आपको बहुत टाइम लगेगा लिखने में, बहुत लिखना होता है ना, धीरे धीरे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आ गया पूरा साइन। अरे सीट तो खराब हो गया यार, दूसरा सीट लेना पड़ेगा। हाँ आवाज सुनाई दे रही है साई सिर के? साउंड इज नॉट कमिंग, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? अब तो विजिबल दिख रहा है ना? आज साउंड का प्रॉब्लम है, कल तो दिख नहीं रहा था, आज तो दिखेगा। मैं लिखूंगा तो अभी आपको एक शीट पर मैंने लिख कर सेंड किया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इंटीजर। आवाज क्लियर है साई? यस सर। ओके पूर्वा, आवाज इज कमिंग नॉट कमिंग, साउंड इज नॉट कमिंग, पूर्वा को प्रॉब्लम है। टुडे मैथ टेस्ट, टुडे टुडे मैथ टेस्ट टेस्ट सिक्स क्लास चैप्टर चैप्टर प्रॉफिट लॉस। लॉस टाइम फोर 45 टू 5 45। ध्यान से सर, टेबल टेबल, हाँ टेबल में पूछ रहा हूँ। टू दे माई टेस्ट सिक्स क्लास, टाइम चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, टाइम आपका 4:45 to 5:55। पेपर ऑन टाइम आपको देना होगा। चलिए टेबल अब बताइए सब लोग अपना अपना। साइन मार्क्स 15 मार्क्स का है। टू हाँ बोलो बोलो। हाँ टेबल, हाँ टेबल। 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 13 3 6 18 3 7 21 3 8 28 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
Three eight जा three eight twenty four हाँ three eight twenty four three nine
पूर्वतम सब पूर्वा शांत रहेगी। पूर्वा तुम बात बोलोगी नहीं बीच में, समझ में आया ना? जब साई बोलेगा तो पूर्वा शांत रहेगी, साई और पूर्वा बोलोगी तो साई शांत रहेगा। मैं सबका बात सुन रहा हूं, शांति से एक एक लोग बोलिए। पहले मैं फिर माइक ऑन करता हूं। क्या 10 मिनट? क्या 10 मिनट बोलो तो? ये 10 मिनट क्या 10 मिनट? हमेशा 10 मिनट 5 मिनट करते रहते हो। चलो क्या 10 मिनट बोल रहे हो? चलो फोर का टेबल सर, बोलो। टेबल आपका आपके यहाँ रेंज नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा रेंज में आइए। रेंज में आइए। बोलिए। हाँ पूर्वा आप तुम बोलो। पूर्वा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पूर्वा अपना फोन म्यूट करो। अरे आपकी आवाज नहीं क्लियर है, साइन योर साउंड इज नॉट क्लियर। पूर्वा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पूर्वा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलो ठीक है, रिज्वाइन होको। पूर्वा मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए तो मुझे। क्वेश्चन करिए सब लोग, मल्टीप्लीकेशन हम आपको क्वेश्चन करिए। हाँ ये क्या है? 2 2 8 16 40। चलो ठीक है, 2 का टेबल पूर्वा ने लिख दी। चलो 7 का टेबल लिख कर सेंड करो साइन। अब चलिए हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई। चलिए सब लोग नोट करिए, मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले। आज मल्टीप्लीकेशन, कल मल्टीप्लीकेशन किए थे, डिवीजन मैंने बताया था। आइए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। लिखिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट क्या है? 9 8 हो गया, प्रैक्टिस सेट 9। क्वेश्चन लिखिए सॉल्व सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए सर। क्या पीडीएफ सेंड करो ना? आपके पास बुक है ना? आप तो बुक बोले, तब लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ सेंड करूंगा। हाँ सर बुक नहीं है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? प्रैक्टिस सेट 9। हाँ यस। ये सॉल्व दिख रहा है? सॉल्व। हाँ सर। हाँ तो लिखिए इन ब्रैकेट
Question number 1. In bracket minus 96, bracket close, divided by in bracket 16. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए. इन ब्रैकेट 98 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट माइनस 28. क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 3. इन ब्रैकेट माइनस 51 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 68. क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए. -57. चलिए सॉल्व करिए. तो पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करिए. सॉल्व करके आंसर मुझे बताइए. टाइपिंग करिए आंसर. आंसर टाइपिंग करिए. साउंड इज नॉट कमिंग किसको? पूर्वा तुमको क्या प्रॉब्लम है? अपना रेंज देखो. तो हमारे यहाँ साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूर्वा आपके यहाँ प्रॉब्लम है. हेलो, आपको विजिबल, आज विजिबल है ना पूर्वा? आपको दिख रहा है कि नहीं ये बताइए. विजिबल और नॉट विजिबल पूर्वा? आज तो नहीं बोल सकती हो कि दिख नहीं रहा है. आज तो दिख रहा होगा. विजिबल और नॉट नॉट विजिबल ना, तो आपके यहाँ रेंज का प्रॉब्लम है. रेंज प्रॉब्लम, रेंज प्रॉब्लम. आपके यहाँ रेंज का प्रॉब्लम है. यू हैव बुक. आपके पास बुक है? साइन, साइन सीट के? तो मैंने बोला था ना. हाँ, नो सर. तो आपको मैंने बोला था ना बुक परचेज करने के लिए. आप बुक भी नहीं परचेज कर रहे हैं. अब तो मार्केट में बुक अवेलेबल है. हमने तो मार्केट से ही बुक तो मंगाया. हमारे यहाँ एक पेशेंट साफ पड़ गया है, इसलिए जाते नहीं है. तुम्हारे यहाँ क्या पड़ गया है?
साई तुम्हारे यहाँ क्या हो गया है? पेशेंट। किस चीज का पेशेंट? कोरोना पेशेंट आ गया है? चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दिख रहा है ना साई तुमको? बारामती सर, बारामती में हमारे भी गया है ना। कौन बारामती में गया है? साई आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। बोलो, साई क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर, ठीक है, ओके, दिख रहा है ना? ओके, नो, हाँ। चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। यहां मैं सोल्यूशन लिखता हूं फर्स्ट का। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 96 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16। तो मैंने 7 क्लास में आपको बताया था कि इक्वल -96 डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इनटू 1/16। मैंने आपको 6 क्लास में पढ़ाया था इंटीजर, इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं, और 7 क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूं। अब हम टेबल पढ़ेंगे 16 के टेबल। चलिए तो आप इसको या तो फिर लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल साइन -96 अपॉन 16। अब टेबल याद है आपको? 16 का टेबल याद है? 16 का टेबल याद है साइन? साइन आवाज नहीं समझ, टेबल याद करके रखो, कल 10 तक याद कर लिए ना, आज क्या 5 तक आता है? 5 तो आपका टेबल 5 तक आता है मुझे, बाकी टेबल कौन याद करेगा? बाकी टेबल 7 क्लास में 6 क्लास में पढ़े तो आज में, हाँ तो 8:20 तक टेबल याद कर लीजिए, नहीं तो फिर सारे पूर्वा और तुम दोनों लोग 20 तक टेबल याद कर लीजिए। चलिए तो यहां से कैंसिल हो गया, तो एक कैंसिल होकर यहां से कैंसिल कर दिए हमने टेबल 16 6 96 होता है, तो यहां से इसको कैंसिल किए और यहां से इसको कैंसिल किए तो 6 आया, तो देयरफॉर कितना आया? -6। आंसर हो गया -6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ब्रैकेट 98 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -28। यहां से लिखेंगे 98 इंटू -1/28। मैंने आपको कल बताया था इसको, या इक्वल साइन लगाएंगे, इक्वल माइनस में इस 98 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -98 अपॉन 28।
अब टेबल याद है? बोलिए टेबल याद है आपको? 98 20th किसके टेबल में आते हैं? किसके टेबल में 98 और 28 भी आता है? थ्री के टेबल में? नहीं, फोर के टेबल में, फोर के टेबल में। चलिए तो फोर के टेबल में, तो फोर का टेबल पढ़िए। फोर वन दा फोर, फोर टू दा एट, फोर थ्री दा ट्वेल्व, फोर दा सिक्सटीन, फोर फाइव दा ट्वेंटी, फोर सिक्स दा ट्वेंटी फोर, फोर एट दा ट्वेंटी एट, फोर एट दा 32, 49, 36, 410, 40. आप 5 के टेबल पढ़ के सुनाओ जल्दी से। 5 on the 5, 5 to 10, 5 to 15, 5 for the 5 for the 20, 5 for the 25, 5 to 30, 5 7 the 5 on the 35, 5 8 the 5 8 the 45, 9 the 45, 5 10 the 50. अब 5 8 जा क्या होता है? सर पूर्वा क्या बोल रही है? सही ऑल बिल्डिंग पता नहीं, पूर्वा क्या पॉजिटिव कोई निकला होगा। बोले पूर्वा कोई कोरोना पॉजिटिव उसके यहाँ आया है। सेल ऑल बिल्डिंग, सील कर दिया है उसके बिल्डिंग को। सर हमारे बिल्डिंग को सील किया है, ये बता रही है। अच्छा तो उसके, अच्छे साउंड तुम्हारे बिल्डिंग को सील किया है? हाँ सर। तुम्हारे बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव मिला है? हाँ सर। विश्व एम्पायर क्या? विश्व एम्पायर बिल्डिंग। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। तो चलो ये बताओ पहले तुम, 5 का टेबल 5 4 जा क्या होता है? 5 4 जा 20। अब 5 8 जा? 5 8 जा 40। और 5 9 जा? 5 9 जा 45। 6 के टेबल बताओ जल्दी से। पूर्वाज बिल्डिंग सेल है, पूर्वा का बिल्डिंग सेल है। पूर्वा क्या सर, उसका छोड़ दो अभी। हाँ उसका छोड़ दो। ये बताओ तुम 6 का टेबल बताओ जल्दी से। 6 1 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30 6 36 6 6 7 42 6 8 48 6 9 7 5 7 5 35। हाँ और आगे 7 5 35, 7 6 42, 7 8 7 7 49, 7 7 8 56, 7 7 9 63, 7 10 70। 7 8 7 8 56। 7 9 63। ओके तो तुमको 8 कितने तक टेबल याद किए हो तुम? सर मैंने 11 तक। तो 12 से लेके 20 तक कल टेबल याद रहना चाहिए तुम्हारा। 12 से लेके 20 तक नहीं याद होगा ना तब कल तुम्हारे पिटाई कर दूंगा। चलिए ठीक है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को टेबल याद कर, टेबल बोला था आपने, 4 के टेबल से कैंसिल होगा तो 41 जा 4, 42 जा 8 तो आपका 16। तो हम डायरेक्ट आपको 14 का टेबल याद है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 तो 14 7 जा कितना हो जाएगा? 14 8 जा, अगर 14 8 जा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 8 जा 112 नहीं 14 हाँ 14 6 जा 14 6 जा 14 6 बताना ये सर मुझे 14 6 जा कितना होगा?
14 6 जा 84 अब 14 7 जा 14 7 जा बोलो सर मुझे 14 का टेबल तो नहीं आता है। अच्छा तो याद करके रख, लिखने आता है ना? लिखने तो आता है सर मुझे। हाँ तो लिखने तो उसको याद करके रखेगा तो 14 7 जा आपका होता है 98 तो इसको कैंसिल हम लोग करेंगे तो यहाँ से 7 आएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा तो इसका आंसर होगा माइनस 7 अपॉन 2। आपको दिख रहा है आंसर? हाँ सर। हाँ तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन लिखिए माइनस 7 अपॉन 2 और माइनस 6। नोट कर लिए? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जगह है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। आप ये रफ करना सर, सॉल्यूशन 1 का 2 का रफ नहीं करना होता, पेज चेंज करना होता। पहले इसको कर लेता हूँ तो फिर हम क्वेश्चन अलग करता हूँ। इन ब्रैकेट माइनस 51 डिवाइडेड बाय 68। आइए यहाँ से ऐसे लिखते हैं माइनस 51 इंटू 1 अपॉन 68 तो इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 68। अब टेबल पता है किसके टेबल में आता है आपको? 17 के टेबल में 51 भी आता है और 68 आता है तो इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68 होता है। 17 4 जा 68 तो आपका आ गया आंसर माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सर। किया किया। चलिए अगला पेज चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 4 था 38 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस 57। 57 सही है। चलिए तो यहां से लिखिए 38 इंटू माइनस 1 अपॉन 57 तो यहां लिखिए इक्वल टू माइनस 38 अपॉन 57। टेबल याद है 19 के टेबल, इसीलिए बोले थे ना टेबल आपको याद होना चाहिए तो 19 टू जा होता है 38 और 93 जा 57 तो आपका आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 3। अब अच्छा दिख रहा है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दिखने में? नो नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। इन ब्रैकेट माइनस 85 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट आपको दिया है 20
चलिए सॉल्व करिए, यहाँ इक्वल साइन लगाइए, माइनस 85 इंटू डिवीजन है तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर में चेंज होगा तो ये 1/20 होगा, समझ में आया? Yes. इक्वल टू माइनस 85/20, ये आपका डिवीजन होगा। बोलिए चलिए इसे फाइव से डिवाइड करिए तो 5 5 17 या 80 85 होता है, 17 आ गया। ऐसे 5 से डिवाइड करिए तो ये 4 हो गया, तो आपका आंसर आ गया -17/4 -17/4, नोट कर लिए? नहीं। नोट करो क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन ब्रैकेट -150 डिवाइडेड बाय सर बोर्ड इज नॉट ऑन विजिबल, बोर्ड इज अनविजुअल, नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी दिख रहा है, अभी हाँ दिख रहा है। सिक्स नंबर का नीट अक्षर नहीं आया। सिक्स नंबर दिख रहा है, अभी मैं लिखा हूँ जो दिखा, सिक्स नंबर क्वेश्चन सिक्स। हाँ सर, इन ब्रैकेट -150 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय कितना दिया है, -25 ये आपको दिखा? यस। दिखा कि नहीं दिखा? यस। क्या? यस। अच्छा ओके, चलिए ठीक है, तब लिखिए इक्वल साइन लगाइए, इक्वल -150 -into 1/25 -25, मैंने बताया था कि -25 जब होगा डिनोमिनेटर में तो इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो इक्वल टू 150 माइनस के इनटू माइनस के 1/25, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है तो 150/25। चलिए ये हो गया ना, अब आपको टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसको, टेबल याद होगा तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। हरी बोल सर, दिग्विजय। हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। वो थोड़ा बच्चों से बात करनी है, 2 मिनट के लिए बस बात करिए सर। हाँ हेलो पूर्वा एंड साई, गुड मॉर्निंग, टाइप कीजिए, हाय लिखिए, हाय पूर्वा एंड साई, दिस इज दिग्विजय सिंह, प्लीज टाइप हाय। हाँ सर। हाँ हाय हाय, कल आपका संडे एग्जाम है 7th क्लास के ऊपर। यस साय, हाय पूर्वा किधर गई, कोरोना पॉजिटिव, क्या लिखा ये? हाँ कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसका बिल्डिंग सेल हुआ है।
उसको नहीं हुआ, उसके बिल्डिंग में हुआ है। अच्छा, आप हैं क्या पूर्वा इधर अभी? कैन यू हेयर मी? सेल और बिल्डिंग? नो सर, नहीं है। चली गई पूर्वा? सर आती है वो चली जाती है, वहां रेंज का प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, तो आप हरी बोल रहे, पेन ड्राइव से पढ़ा रहे दिख रहा है तो बढ़िया एकदम। हाँ पेन ड्राइव से ही पढ़ा रहा हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत मजा आ रहा है सर, दो तीन दिन में तो बहुत सुंदर लिखने लगूंगा, आज आज ही लिख रहा हूँ। बस अभी थोड़ा हरी बोल, आवाज ना थोड़ी इको हो रही है अभी भी। आप एक काम कीजिए ना, वो खुला सोफा नहीं अपना, सोफे पे बैठिए, उधर खुला सोफा है ना उधर वो। ठीक है ठीक है, कल से कल से। हाँ उधर बैठ के देखिए एक बार, शायद मेरे ख्याल से उधर अच्छा आवाज आएगा। ठीक है ओके। चलिए हरी बोल, इनका कल सेवेंथ का टेस्ट है ना? हाँ इनका सेवेंथ का टेस्ट है, मैंने बता दिया उनको। ओके सर, ठीक है, बाय सर। बाय। चलिए तो आप इसको कैंसिल करो, साई। हाँ सर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव से इसे कैंसिल किए तो फाइव फाइव जा 25, इसको फाइव फाइव से कैंसिल किए तो ये आपका हो गया 30। अब फिर इसको आपने फाइव से कैंसिल किया और इसे फाइव से किए तो सिक्स, तो आपका आंसर आ गया कितना? सिक्स आपका आंसर आ गया। समझ में आया? यस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन था अभी कॉल पर? क्या कॉल पर कौन था अभी? दिग्विजय सर। ओके चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन, सीट चेंज कर रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन लिखिए, 100 डिवाइडेड बाय 60। चलो सॉल्व करिए। सॉल्व करो साईं, जल्दी आंसर बताओ सॉल्व करके। चलो लिखो, सॉल्व करते हैं। लिखे 100 इंटू 1/60 इक्वल टू 100/60, जीरो से जीरो कैंसिल, ते आपके पास आ गया 10/6, एक कैंसिल हो गया 3 और एक कैंसिल हो गया 5, आंसर आ गया 5/3, ये आपका आंसर है आंसर। दो मिनट सर, दो मिनट रुको, मुझे लिखने दो। हाँ नोट कर लो, कल टेबल याद करके आइएगा। हाँ सर। हुआ होगा क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी, चलिए इसको 9 ट्राई करिए, 8 क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, 9 डिवाइडेड बाय -54। चलिए सॉल्व करके दिखाइए, दो मिनट टाइम आपको देता हूं। 9 डिवाइडेड बाय, Thank you.
चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो 9 into -1/54 तो -9/54। अब टेबल याद है ना, साइन 9 का टेबल याद है ना आपको? हाँ सर। चलो तो इसको 9 का टेबल सुनाओ जल्दी से। 9 1 9 2 8 9 3 27 9 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 9 81 9 10 92। हाँ तो इसको 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 कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। 9 1 जा ना 9 इसका आंसर कितना आया? -1/6। ओके सर लिखने दो, नोट करो। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? हाँ सर। आज विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, विजिबल है ना सब कुछ? हाँ सर। हुआ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए, जल्दी करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9, 78 डिवाइडेड बाय 65, 78 डिवाइडेड बाय 65, जल्दी सॉल्व करिए इसको। 78 डिवाइडेड बाय 65, जल्दी सॉल्व करिए। हाँ सर। हाँ इसको कैसे लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे 6/5। हाँ तो आपने लिखा होगा 78 into 1/65, ऐसे लिखे होंगे। फिर आपने ऐसे लिखे होंगे 78/65, 13 का टेबल पड़े होंगे। 35 का कितना होता 65, और 16 8 जा कितना 16 6 जा 78। तो आपका आंसर आ गया। टाइम इज कंप्लीट।